मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो वीडियो है इसमें आपको अगर ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है तो कितना ट्रायंगल है उसको काउंट करना है, ठीक है। आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले हम एक पार्ट थ्री में एक क्वेश्चन दिए थे आपको होमवर्क करने के लिए, कितना आया अगर आया होगा तो कमेंट में आप बोल चुके होंगे, हम कमेंट अभी तक देखे नहीं है। फिर भी इसमें आपको हम बता देते हैं इसका ट्रिक। तो ये एक स्क्वायर है, इसमें कितना है 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, कितना हुआ 32, ठीक है। टोटल कितना हुआ 32। और ये इन दोनों में, इन दोनों को आप छुपा दें, इन दोनों में ये कॉमन लाइन है, इन दोनों में कॉमन लाइन है, इन दोनों में, इन दोनों स्क्वायर में, और ये एक कॉमन लाइन है, ये एक कॉमन लाइन है। टोटल टोटल कितना हुआ 2, 4, 6, 8 प्लस 8, ओके। तो टोटल, और इन दोनों में देखिए ये एक कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है। तो टोटल 4 आएगा, कितना हुआ 44, ठीक है। तो चलते हैं पार्ट आईवी का आज का जो टॉपिक है, जो अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है तो कितना ट्रायंगल है पता कैसे करेंगे। अगर देखिए ये एक आपको आप कैसे काउंट करते हैं, आप इसको काउंट करते हैं, ये एक, ये एक, ये एक, 3, 1, 4 और 1 बड़ा वाला 5, ऐसे काउंट करते हैं। तो अगर आप इस तरह का काउंट करेंगे, अगर एग्ज़ाम में इस तरह का कुछ फिगर आ गया तो आप क्या ऐसे ही काउंट करते रहेंगे? नहीं। तो हम एक ट्रिक देंगे आपको, हम हर वीडियो में एक ट्रिक दे रहे हैं, उसको नोट डाउन कीजिए और आपको 30 सेकंड के अंदर आप आंसर बता पाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल का संख्या जो होता है वो 4 इंक्रीज कर जाता है। मतलब ये एक बड़ा ट्रायंगल है, इसमें एक ट्रायंगल, इसके अंदर एक ट्रायंगल है, तो टोटल कितना, ये बड़ा ट्रायंगल एक, इसके अंदर एक ट्रायंगल है, तो 4 इंक्रीज कर जाएगा ट्रायंगल की संख्या, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें देखिए ये एक बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक बड़ा ट्रायंगल है टोटल, ये एक, इसमें एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का संख्या कितना इंक्रीज हुआ 4। फिर इसके अंदर एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का संख्या और 4 इंक्रीज कर जाएगा, 4, 4, 8, 1, 9, 9 ट्रायंगल हुआ, ठीक है। अभी इसमें देखिए ये एक बड़ा ट्रायंगल है, ये एक, इसके अंदर एक ट्रायंगल है ये वाला, तो ट्रायंगल की संख्या कितना इंक्रीज हुआ 4, प्लस ये भी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की संख्या इंक्रीज हुआ 4, फिर ये एक ट्रायंगल है, तो कितना ट्रायंगल हुआ 13 ट्रायंगल हुआ, ठीक है। अभी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, अगर इसके अंदर और भी एक ट्रायंगल होगा तो 4 और इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अभी इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है आपको, ठीक है। अभी ये देखिए, इसको इससे कंपेयर कीजिए, बस ये 3 लाइन एक्स्ट्रा हम ऐड किए हैं, अगर ये 3 लाइन आ जाएगा तो कितना ट्रायंगल होगा, ठीक है। अगर इस तरह का फिगर दिया होगा तो 5, अब 5 तो पता चल गया हमको, तो ये दोनों लाइन में, ये 3 लाइन में, ये 1, 2, 3 लाइन में कितना ट्रायंगल आ रहा है, एक, ये एक, ये दो, ये लाइन से 2 ट्रायंगल आ रहे हैं, 2, ये लाइन से ये ट्रायंगल 2, प्लस ये लाइन से ये एक, ये दो, तो ट्रायंगल आ रहे हैं, तो कितना हुआ 11 ट्रायंगल हुआ, ठीक है। अभी उस तरह के ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप खुद सॉल्व कीजिए, इसको आप खुद सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो ठीक है, हम पहले अगले वीडियो में आपको बता देंगे इसका सल्यूशन, ठीक है। तो तब तक थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अदर जो स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट मिल सके, ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो पार्ट आईवी है, इसमें आपको
अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है तो कितना ट्रायंगल आ रहा है इसको बताना है, ठीक है। बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक आई विल डिस्कस द होमवर्क इन ऑफ पार्ट थ्री, ओके। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो पार्ट आई वी है। इसमें आपको अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है तो कितना ट्रायंगल आ रहा है इसको बताना है, ठीक है। बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक आई विल डिस्कस द होमवर्क इन ऑफ पार्ट थ्री, ओके। सो